टीबी एक भयंकर बीमारी है। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो टीबी का मरीज एक साल में 15 से 16 व्यक्तियों को उपहार स्वरूप यह बीमारी दे सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव शरीर के नाखूनों और बालों को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है। हर प्रकार के टीबी का इलाज संभव है यदि मरीज समय रहते अपनी जांच करा ले और उपचार लेता रहे। विभाग द्वारा इस बीमारी को 2025 तक जड़ से खत्म करना है, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोग जागरूक हो इसके लिए 18 से 24 मार्च तक एंटी टीबी सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाएगा, इस दिन भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपको बता दें कि जिले में इस समय 1400 से अधिक टीबी के मरीज अपना उपचार ले रहे हैं। मरीजों के अच्छे पोषण के लिए प्रति माह 500 रुपए मरीज को दिए जाते हैं। इसके तहत अभी तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है, जबकि जिले में बिगड़ी हुई टीबी के 54 मरीज उपचार ले रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डिप्टी CMO डॉक्टर सिमी। मैं आपको बता दूं, यहां पर आने का हमारा सबसे बड़ा मुख्य मकसद ये था कि हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, जिसका कि मकसद यह होता है कि लोगों को टीबी के प्रति अवेयर करना और उनकी स्क्रीनिंग करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज खुलकर सामने आ सके। मैं आपको यहाँ पर एक बता दूँ, यदि कोई टीबी का ऐसा मरीज है कि जो अपना इलाज नहीं करता, तो उपहार स्वरूप साल में 15 या 16 लोगों को वह बीमारी गिफ्ट के रूप में दे सकता है। लेकिन इन सबसे बचाव के लिए सरकार द्वारा और करनाल प्रशासन द्वारा कई योजनाएं जारी की गई हैं, कई योजनाओं को चलाया गया, जिससे कि पेशेंट्स को बेनिफिट भी मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टीबी की जांच, उसका उपचार बिल्कुल निःशुल्क है। इतना ही नहीं, जो भी टीबी का मरीज है उसको प्रति माह, जब तक उसका इलाज चलेगा, उसको प्रति माह 500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वो अपना जो उसकी जो डाइट है वो उसको मेंटेन कर सके, क्योंकि इस बीमारी में कमजोरी का आना स्वाभाविक होता है। लेकिन सिर और नाखून को छोड़कर यह टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। आज 18 मार्च है, 18 मार्च से यह कैंपेन स्टार्ट होना है, जो कि 24 मार्च तक चलेगा। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग क्या क्या इनके कैंपेन में क्या क्या चलेगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी, इसकी जानकारी हमारे से साझा करेंगी डॉक्टर सिमी। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप वर्ल्ड टीबी डे के संदर्भ में, जो हमारा इस बार एंटी टीबी वीक मनाया जाना है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 24 मार्च को जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में इस बार हमारा एंटी टीबी वीक मनाया जा रहा है 18 से 24 मार्च तक, जिसमें कि हमारी स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें कि हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स ओल्ड एज होम्स में, MDD बाल भवन में, प्लेस ऑफ सेफ्टी मधुबन में और डिस्ट्रिक्ट जेल में जाकर स्क्रीनिंग करेंगी। और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम बच्चों से ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन और क्विज कंपटीशन का आयोजन करवाएंगे। तब इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर करें लोगों को लक्षणों के बारे में, टीबी के लक्षणों के बारे में, ताकि इन लक्षणों के मरीज तुरंत आकर अपना जांच करवाएं और इलाज शुरू करवाएं। जो टीबी के बारे में बताया गया कि नाखून और सिर को छोड़कर ये कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन सिर में तो जो ब्रेन की टीबी तो हो जाती है, बालों को छोड़कर और मेरे ख्याल से नाखूनों को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। इन सबके सिम्टम लगभग सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? पल्मोनरी टीबी के तो जो सिम्टम्स हैं वो अलग होते हैं, जिसमें बताया जाता है, और बाकी जो टीबी है उनकी जान पहचान या उसकी पड़ताल हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा है, टीबी दो तरह की होती है, पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों की टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी के शरीर के किसी भी हिस्से की टीबी। तो हमारे शरीर में बाल और नाखून को छोड़कर किसी भी हिस्से की टीबी होती है। मुख्यतः जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो होती है गांठ, शरीर में गांठ बन जाती हैं और पेनलेस गांठ होती हैं। उसके साथ साथ मरीज को हल्का हल्का बुखार रहता है, भूख नहीं लगती, वजन कम होता है। इसके अलावा अगर हड्डी की टीबी हो जाती है, जिस हिस्से की टीबी हुई है उस हिस्से में दर्द रहने लग जाता है, जो कि सिंपल दवाइयों से ठीक नहीं होता, और साथ ही साथ वही जो हल्का बुखार रहना, भूख ना लगना, वजन कम होना इत्यादि लक्षण होते हैं। तो जिस जो हिस्सा अफेक्ट होता है टीबी के बैक्टीरिया से, उस हिस्से में के लक्षण सामने आते हैं। मैम, आपने थोड़ा समय पहले अपना एक कैंपेन चलाया था जिसे हम ACF कहते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग। उस कैंपेन के दौरान जो भी एक महीना चला था फरवरी माह के दौरान, उसमें कितने केस खुलकर सामने आए थे? ऐसा है, उस दौरान हमने 1,43,123 लोगों को हमने स्क्रीन किया था, जिसमें से कि 1,463 लोगों की बलगम की जांच हुई थी और 65 केस पॉजिटिव आए थे, जिनको कि ट्रीटमेंट पे डाल दिया गया है। देखिए,
ये था जो मैं आपको बता दूं कि एसी अब चलाया गया था जिसमें जिसे कि एक्टिव केस फाइंडिंग कहा जाता है, उस केस के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों की जांच की, बलगम की जांच की गई थी जिसमें से 65 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि टीबी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका समय रहते इलाज न किया जाए तो यह उपहार स्वरूप एक मरीज साल में 15 से 16 लोगों को इस बीमारी से ग्रस्त कर सकता है, यानी कि उनको गिफ्ट दे सकता है इस बीमारी को। मैम मौजूदा समय में इस समय निक्षय पोर्टल पर कितने मरीज चल रहे हैं और कितनी राशि अभी तक उनको वितरित की जा चुकी है? आज की डेट में हमारे पास जो टीबी के एक्टिव केसेस हैं 1457 केसेस चल रहे हैं, जिसमें से कि को इन्फेक्टेड पेशेंट्स भी होते हैं, जैसे कि टीबी एचआईवी को इन्फेक्टेड होते हैं वो 27 हैं और डायबिटीज़ के साथ जो को इन्फेक्टेड है 221 हैं। ऐसा है, ये बीमारी जो है उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनकी की रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इनमें मुख्य जो होते हैं पेशेंट्स आते हैं जैसे कि मैलनरिस्ड हो गए, डायबिटिक हो गए, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट हो गए, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हो गए, या ऐसे पेशेंट जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयों पे चलते हैं। तो ऐसे मरीजों को अपना लगातार स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, जैसे ही उनमें सिम्टम आए उनको अपनी जाँच जरूर करवानी चाहिए। और इस कड़ी में सरकार की तरफ से ऐसे मरीजों को अच्छे पोषण के लिए 500 रुपये पर माह के हिसाब से पोषण सहायता दी जाती है ताकि वो अच्छा खान पान कर सकें। इसके अंतर्गत अब तक हमने 2,26,25,000 रुपीज़ हम मरीजों को वितरित कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मौजूदा समय में करनाल में 1457 मरीज ऐसे हैं जिनका कि टीबी का इलाज चल रहा है। मैम ने हमें विस्तार से जानकारी दी कि शरीर के किसी भी हिस्से में यह बीमारी हो सकती है, केवल नाखून और बालों को छोड़कर या शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। 2 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक मरीजों को वितरित की जा चुकी है उनके अच्छे पोषण के लिए। मैम आपने थोड़ा समय पहले करनाल की निजी लैब की भी इंस्पेक्शन की थी, उसका क्या एजेंडा था मैडम? जो टीबी की बीमारी है ये एक नोटिफिएबल डिजीज़ है, तो जहाँ भी ये डायग्नोज हो रही है या जहाँ पे भी इसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वहाँ के इंचार्जेस का यह दायित्व बनता है कि उसको नोटिफाई करवाएं। अगर किसी लैब में टीबी के लिए जांच की जा रही है तो उस लैब का दायित्व है कि वो हमें ये पेशेंट जो नोटिफाई करवाए। तो हमारा मोटो यही था देखने का कि कौन कौन सी लैब्स हमारे पास ये नोटिफाई करवा रही हैं और कौन सी लैब्स नहीं करवा रही हैं। मैम जैसे आपने मुझे बताया कि ये नोटिफाइएबल डिजीज़ है, यानी कि यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक इसका उपचार करता है, टीबी का उपचार करता है, या कोई निजी लैब संचालक टीबी के टेस्ट करता है, तो अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है पेशेंट, तो उसकी जानकारी आप तक पहुँचाना लाजमी है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लैब संचालक या कोई अस्पताल संचालक इन नियमों की पालना नहीं करता तो उनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जा सकती है? उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और उनको एज इम्प्रिजनमेंट तक 2 साल की इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो भी निजी लैब संचालक हैं या जो भी निजी अस्पताल चला रहे हैं और वो किसी भी टीबी की बीमारी से ग्रस्त मरीज का इलाज कर रहे हैं और अगर उन्होंने उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसमें कि उनका लाइसेंस तो रद्द हो ही सकता है, साथ के साथ सजा का प्रावधान भी है। मैम एक होता है MDR जिसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, 2020 में ऐसे कितने मरीज आए थे और अभी तक फिलहाल 2021 में कितने मरीज सामने आ चुके हैं और इसका मुख्य कारण क्या है कि क्यों जो मरीज हैं कैटेगरी 1 से लेकर MDR तक पहुंच जाते हैं? ऐसा है, 2-3 कारण होते हैं MDR के। एक तो जो मरीज जो व्यक्ति है वो MDR मरीज के कांटेक्ट में आया है उसको MDR की बीमारी शुरू से हो सकती है। दूसरा ये है कि कुछ लोग जो हैं टीबी का इलाज शुरू करते हैं बीच में छोड़ देते हैं, 1-2 महीने बाद उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है तो वो दवाई छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर बाद में जब लक्षण दोबारा से आते हैं तो वो उनके ऊपर हमारी नॉर्मल जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो काम नहीं करती हैं, तो ऐसे मरीजों को फिर MDR के मरीजों के रूप में सामने आते हैं। मौजूदा समय में कितने MDR के मरीज चल रहे हैं करनाल में? करनाल में इस टाइम पर 54 पेशेंट्स हैं MDR के जो चल रहे हैं। ये सभी तरह की दवाइयाँ जो है इनको निशुल्क प्रदान की जाती हैं? बिल्कुल, इनको हर तरह का जांच इलाज हर तरह का फ्री है और सरकार टीबी एलिमिनेट करने के लिए इतनी कटिबद्ध है कि जो ऑल ओरल लोंगर रेजीम है उसमें जो एक मेडिसिन होती है बेडाक्विलिन, उसका एक कोर्स जो है सरकार को लाखों में पड़ता है, वो भी मरीजों को फ्री में दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हमें भारत को टीबी मुक्त बनाना है, इसके लिए सरकार के प्रयास तो हैं ही हैं, आपके प्रयास भी हैं, लोग आपके प्रयासों के साथ काम करें, लोग आपके प्रयासों को सराहें, लोग आपके द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ उठाएं, इसके लिए आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं यही अपील करना चाहूँगी कि अगर किसी में भी टीबी के कोई लक्षण आते हैं, जैसा कि हमारे प्रचार अब तक काफ़ी हो चुका है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बुखार हो, बलगम में खून आ रहा हो, छाती में दर्द हो रही हो, ये मोस्टली लोगों को पता चल गया है, ये है पल्मोनरी टीबी के लक्षण। तो ये मोस्टली केसेस हमारे पास आ रहे हैं। जो केसेस हम मिस करें, क्योंकि जो 2020 में भी हमने सिर्फ 80% का लक्ष्य हमने अचीव किया है, इसका मतलब कि 20% पेशेंट को हमने डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, या तो डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं या ऐसे पेशेंट्स ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं कहीं से पर नोटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स तो जो पल्मोनरी टीबी के हैं वो तो आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो वाले पेशेंट्स अभी सामने नहीं आ रहे हैं। तो जिसको भी कोई क्रॉनिक बीमार पेन रह रहा है, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो बांझपन की समस्या से लेडीज़ जूझ रही होती हैं, उसमें भी 50% लेडीज़ को जननांगों की टीबी पाई जाती है। तो ऐसे सभी मरीजों को जल्द से जल्द सामने आना चाहिए, अपनी जांच करवानी चाहिए और इलाज करवाना चाहिए, ताकि हम सरकार के द्वारा दिया हुआ लक्ष्य पूरा कर सकें। अगर हम बात करें कि एक साल में टीबी के कितने नए मरीज सामने आ जाते हैं, और करनाल में इनसे इस बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होने वाले मरीजों का क्या रेट है, क्या सक्सेस रेट हो रहा है? 2020 में हमारे पास 3,743 पेशेंट्स हमारे नोटिफाई हुए हैं, और हमारा जो सक्सेस रेट रहा है वो है 85.1%, डेथ रेट रहा है 3.16% और डिफ़ॉल्ट रेट रहा है 4.33%। देखिए, ये थे डॉक्टर सिमी, जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि आज से एंटी टीबी जो वीक है वो स्टार्ट होने वाला है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि जो हमें 2025 तक पूरे भारत को टीबी से मुक्त करना है। करनाल की अगर हम बात करें तो पिछले साल में 2020 में 3,000 से अधिक मरीज खुलकर सामने आए हैं, जिनकी जांच की गई, जिनमें टीबी के लक्षण पाए गए और जिनका इलाज चल रहा है। और अगर हम बात करें मौजूदा समय में, इस समय 1400 से अधिक मरीज हैं जो कि इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं और टीबी के खिलाफ जंग को लड़ रहे हैं। हमारी समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से और करनाल प्रशासन और करनाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील है कि यदि किसी में भी टीबी के कुछ ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं तो वह करके अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपनी जांच भी करवा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि टीबी के उपचार, जांच से लेकर टीबी का उपचार तक बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा अच्छे पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह हर मरीज को दिया जाता है। इसके लिए 2 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक फिलहाल वितरित की जा चुकी है। और करनाल में मैम ने जिस तरह से हमें बताया कि इसमें सक्सेस रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, यह इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर इस तरह के लक्षण प्रतीत होते हैं, प्लीज़ अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज भी शुरू करवा सकते हैं, अपनी जाँच भी निःशुल्क करवा सकते हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।